मोगा लंगर में जहाँ 80 उसके इनमेट्स और भी हैं, उनको फिर से टेस्ट किया जाएगा, उनका सैंपल टेस्ट किया जाएगा फिर से। एक बिलावर में है, एक बसोली में पहले निकला था, 5 और निकल गए। तो ये जो एक्टिव मेंबर्स हैं इनको हमने शिफ्ट कर लिया है हॉस्पिटल में, गांधीनगर हॉस्पिटल में, और बाकी की कार्रवाई इनकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो की जा रही है। जिस जिस सेंटर में ये लोग हैं उन सेंटर्स के जितने भी इनमेट्स हैं, चाहे वो पहले टेस्ट कर लिए गए हैं, फिर से इनका रीटेस्टिंग होगा, रीसैम्पलिंग होगा इनका। सर ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या ले गए, पहले से क्वारंटाइन किए गए थे या अपने घरों में गए थे सर? ये नहीं नहीं ये घरों में बिल्कुल नहीं गए, ये सारे के सारे कोई ट्रक से आया, कोई किस तरीके से आया, हमारे लखनपुर में पहुँचे, लखनपुर से इनको बाकायदा गाड़ियों में बिठा के क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया है। और ये लकीली जिस जिस गाड़ी में ये गए हैं उस गाड़ी के जितने भी इनमेट्स थे वो उसी क्वारंटाइन सेंटर में गए हुए हैं। तो ये अभी इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, बट लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना बड़ा ज़रूरी है, उसके लिए हम लोग सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है बिलावर को भी, हीरानगर के, मोगा लंगर के जो छपर एरिया है उसको भी, और जो पलाही एरिया है बसोली का उसको भी हमने हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। सर सारे लोग ये बाहर से हैं, कहाँ से लोग ये कठुआ तक पहुँचे? कोई दिल्ली से आया है, कोई पंजाब से आया है, अभी तक तो यही हिस्ट्री है कि दिल्ली से आए हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर फ्रॉम दिल्ली। तो अभी ये जो बिलावर से 3 लोग और भी जो फैमिली निकली है, 3, मैं अब नंबर गलत बोल गया, 11 से ज़्यादा लोग हो गए हैं, 12 लोग हो गए हैं, हाँ ये डबल फिगर हो गई है। तो बिलावर में भी 4 लोग हो गए हैं, 6 लोग वहाँ पर हो गए हैं, एक यहाँ पर, एक वहाँ पर, 12 हो गए कम से कम, एक तो रिकवरी हो गई। तो ये फिगर्स हैं, आए सारे दिल्ली से हैं या फिर पंजाब से आए हैं, मजदूर तबका है। एक फैमिली है जो ट्रैवल एजेंट की फैमिली है, जिसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 साल की बेटी और 3 साल का बेटा है, और खुद 28 साल की मैडम है। कुल मिलाकर सर ये देखा जाए कि जितने भी लोग अब बाहर से आ रहे हैं सर, यही लोग पोटेंशियल कैरियर हैं, यही लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो अभी कितने लोग और बाहर हैं? जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कितने लोग अभी बाहर हैं जिनका आना भी बाकी है? अभी सिर्फ कयास राय ही लगाई जा सकती है, एग्जैक्ट फिगर किसी को मालूम नहीं है, 15,000 से 20,000 तक हो सकते हैं जिला कठुआ के, जिला कठुआ के, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो लेबरर हैं या श्रमिक हैं वो बाहर जाके काम करते हैं, कोई महाराष्ट्र में काम करता है, कोई चेन्नई से, मुझे चेन्नई से कॉल आई, हैदराबाद से कॉल आई, आप बेंगलोर से कॉल आई, या अभी दिल्ली से, इटावा से कॉल आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, जिंद में हैं, बड़ी सारी जगहों पे जगहों से डिस्टेंस कॉल्स आई हैं, पता नहीं कितने लोग हैं बाकी, अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम। सर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इन कुछ इलाकों को अपने हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया है, सर पलाही की कुछ तस्वीरें सामने आई थी जो अच्छी तस्वीरें नहीं हैं, क्वारंटाइन सेंटर से लोग बाहर दीवार फांद कर बाहर आते हैं, बाहर से सामान खरीदते हैं, हालांकि वहाँ के लोगों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं आस पड़ोस के लिए भी खतरे की घंटी बन सकती है, किस तरह से देखते हैं सर पूरे मामले? देखिए पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में हैं अगर ये सब सुन रहे हैं, उनको चाहिए कि क्वारंटाइन सेंटर से बिल्कुल बाहर ना निकले। अब अगर उनको कोई चीज़ चाहिए तो नोडल ऑफिसर वहाँ पर होता है, उनको जो भी चीज़ चाहिए वो नोडल ऑफिसर उनको दिलवा सकता है बाहर से। इस तरीके से आप अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने भसोरी वालों को खतरे में मत डालिए। ये इतना सिंपल चीज़ नहीं है जितनी देखने में लगती है कि दीवार फांद के चले गए, फिर सब्जी वाली दुकान पर चले गए, वहाँ किसी को हाथ लगाया, या ट्रैवल करते करते कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ चले जाओगे आप, फिर बाद में संभलेगा। इसलिए ना खुद अपनी आप जान को जोखिम में डालो, ना परिवार की, ना कम्युनिटी की। इसके अलावा जो नोडल ऑफिसर है, मैं अभी ADC साहब से बात कर लूँगा, ये अभी आपने संज्ञान में लाया मामला, मैं देख लूँगा कि किसने ये गलती की है, नोडल ऑफिसर ने क्यों ध्यान नहीं रखा, या फिर क्या कोई वहाँ पर पुलिस पर्सनल की कमी है, वो भी हम पूरी कर लेंगे, सख्ती से पेश आएंगे। सर बाहरी राज्यों से कुछ लोग आ रहे हैं, खासकर दूल्हों की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं शादियों के लिए, कल ये 2 दूल्हे आए थे, एक की शादी लखनपुर में होगी और एक कठुआ ज़िला के ही पल्ली मोड़ में उन्होंने जाना था लेकिन वो वहाँ पे नहीं जा पाए और शादी टूट गई। सर क्या जो बाहरी राज्यों से दूल्हे आ रहे हैं उनके पास परमिशन भी है तो उनको अनुमति नहीं आने की? देखिए स्टेट के अंदर परमिशन आनी है, खासकर रेड जोन के जितने भी लोग हैं, चाहे वो दूल्हे हों या कोई और, हमारे लिए इस वक्त वो संक्रमित व्यक्ति हैं, हम उस नज़रिए से देख रहे हैं। अब इनको मालूम भी है इस टाइम पे ये क्या चल रहा है, फिर भी शादी के चक्कर में ये कहते हैं कि शादी करनी है, जिस करनी ही करनी है, फिर सोशल डिस्टेंसिंग का क्या मतलब है? लेकिन अगर उन्होंने स्टेट के अंदर आना ही आना है तो तब भी वो डिविजनल कमिश्नर साहब या कमिश्नर सेक्रेटरी साहू साहब उनसे परमिशन लेके आ सकते हैं। इंटर स्टेट मूवमेंट DM की परमिशन है ही नहीं, उसमें UT के अंदर
हमारी अपने यूटी का रूल चलता है, बाहर के किसी भी डीएम ने, अगर दिल्ली के डीएम ने कहा कि नहीं जी वहाँ जम्मू में जाके शादी कर लो आप, दैट विल नॉट डू ना। वहाँ पर, यहाँ पर क्या सिचुएशन है उनको नहीं मालूम। मैं यहाँ पर बैठ के अगर छपरा जिले का दे दूँ परमिशन वहाँ पर शादी कर लो जाके, तो क्या वो मान लेंगे? वहाँ क्या सिचुएशन है मुझे नहीं मालूम। उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा जो बाहर से आ रहे हैं? मैं पहले तो ये मैसेज रहेगा कि आप शादियाँ थोड़ी देर के लिए अगर टाल सकते हो तो टाल दीजिए, जब तक कि हम लोग इस सारे इस कोरोना नाम के संग तूफान से बच जाएं, जब तक बच जाएं तब तक इनको टाल दीजिए। अगर आना ही है तो हम लोग यहाँ हॉल मार्क के अंदर, हमने एक हॉल रखा हुआ है, अगर जम्मू के लोग भी हैं और बाहर के लोग भी आते हैं, कम से कम उसी हॉल में शादी करके यहीं से वापस चले जाएं। इतना हमने इनके लिए सहूलियत दी है। अब उसके बाद भी अगर कहते हैं नहीं जी हमने घर ही जाना है कठुआ के अंदर, वो तो अलाउ नहीं किया जा सकता ना। रेड जोन से आता है कोई, संक्रमित कर देगा उधर जाके, वो कम्युनिटी में फैल जाएगा मसला, तो उसे दुख होगा ना, उसे जानी नुकसान हो सकता है।